हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्शन 391 डकैती। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। डकैती का ऑफेंस 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कमिट किया जाता है। अगर 4 व्यक्ति कोई ऑफेंस, रॉबरी का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो वो डकैती का ऑफेंस नहीं बनाएगा, जैसा मैंने अपनी रॉबरी वाली वीडियो में भी बताया था। तो ये शुरू करते हैं डकैती को। डकैती को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट को शुरू करता हूँ। डकैती की डेफिनेशन ये बोलती है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं या उसका अटेम्प्ट करते हैं, दैट मीन्स लूट करते हैं या उसका अटेम्प्ट करते हैं, दैट मीन्स डकैती के ऑफेंस के लिए लूट रॉबरी के सभी एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल किया जाना आवश्यक है। दैट मीन्स सभी डकैती रॉबरी होती हैं। यहाँ पर लूट करता है या उसका अटेम्प्ट करता है, मैं दोनों के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए 5 व्यक्ति बैंक लूटने जाते हैं। बैंक लूटने के लिए वो बैंक के अंदर एंटर होते हैं, कैशियर को बंदूक दिखाते हैं और सारा माल उसे देने के लिए बोलते हैं। दैट मीन्स उसे इंड्यूस कर रहे हैं कि वो सारा माल दे दे, दैट मीन्स एक्सटोर्शन द्वारा लूट कर रहे हैं। और जब वो लूट 5 व्यक्तियों द्वारा कमिट की जाती है तो वो डकैती का ऑफेंस बन जाती है। या तो उसे बोलते हैं कि वो सारा माल दे दे, या उसकी तिजोरी में से खुद उठाकर ले आते हैं, दैट मीन्स उसके कब्जे में से उसकी प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हैं, चोरी द्वारा कर रहे हैं और उस माल को लेकर वापस अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने उस लूट को कमिट कर दिया और लूट के ऑफेंस को कमिट करने से उन्होंने डकैती का ऑफेंस कमिट कर दिया। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं। मान लीजिए वो गए और बाहर गार्ड ने उन्हें रोक लिया और गार्ड के साथ उनकी गुत्थम हुई, थोड़ी सी फाइट हुई और उस फाइट में दोनों तरफ से गोलियां भी चली और वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ को देखकर वो भाग गए। दैट मीन्स उन्होंने यहां पर अटेम्प्ट तो कर ही दिया और उसके लिए वो पनिशेबल भी किए जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 391 के दूसरे स्टेप के बारे में, जो मैंने कहा था कि दो पार्टों में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट ये बोलता है कि वे व्यक्ति संयुक्त होकर, ज्वाइंट होकर, कौन से व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति ज्वाइंट होकर लूट करते हैं या उसका अटेम्प्ट करते हैं, और वे व्यक्ति जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वे व्यक्ति जो उनको एड कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट और एड दो व्यक्ति को यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 5 व्यक्तियों ने एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और ये तय हुआ कि उनमें से सिर्फ 5 में से सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैंक के अंदर जाएंगे, 2 व्यक्ति बाहर खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे? अगर कोई भी पुलिस आती है या गार्ड कुछ हरकत ऐसे करता है तो वो उन 2 जो अंदर गए हुए हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें, और उनमें से 1 व्यक्ति एक स्पेसिफिक प्लेस पर बैठकर उन सभी को कंट्रोल कर रहा था, उन सबको कमांड दे रहा था। दैट मीन्स जो अंदर गए, जो उपस्थित हैं, वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो बाहर खड़े हैं वो उनको एड कर रहे हैं, और जो कंट्रोल कर रहा है वो भी एड कर रहा है। यहाँ पर अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उन सभी 5ों को डकैती के ऑफेंस के लिए लायबल किया जाएगा, और अगर सिर्फ अटेम्प्ट तक ही रह जाता है तो उन सभी व्यक्तियों को अटेम्प्ट के लिए लायबल किया जाएगा। यहाँ पर वे सभी व्यक्ति, सभी कौन से, 5 व्यक्ति जो अंदर गए और वे व्यक्ति जो पाँच हैं लेकिन 2 अंदर गए, 2 बाहर और 1 बाहर खड़ा है, उन सभी व्यक्ति अगर लूट का ऑफेंस कमिट कर देते हैं या उसका अटेम्प्ट कमिट कर देते हैं, या वे व्यक्ति जो इस प्रकार एड कर रहे हैं, वे सभी व्यक्ति डकैती के ऑफेंस के लिए लायबल किए जाएंगे। अब बात करता हूँ एक प्रॉब्लम के ऊपर जो मेंस में अधिकतर पूछी जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि 5 व्यक्ति डकैती के ऑफेंस के लिए गए, उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि डकैती का ऑफेंस 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कमिट किया गया था, लेकिन उन 5ों व्यक्तियों की आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हो पाई, उनमें से 2 व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं हो पाए कि यही वो 2 व्यक्ति हैं जो उन 5 के साथ
ज्वाइन थे या नहीं थे, इस बात को प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया। तो क्या यहाँ पर उन सभी पांचों व्यक्तियों को डकैती के ऑफेंस के लिए लायबल किया जा सकता है? जी हाँ, उन व्यक्तियों को लेबल किया जा सकता है जो प्रोसिक्यूशन आइडेंटिफाई कर पाया, लेकिन जो व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं हो पाए उन व्यक्तियों को डकैती के ऑफेंस के लिए लेबल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता और उन व्यक्तियों को क्यों किया जा सकता है? क्योंकि सेक्शन 391 की जो लैंग्वेज बोलती है, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति, दैट मीन्स ये प्री कंडीशन है कि डकैती के ऑफेंस के लिए पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि उन सबकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि उसने आइडेंटिफाई, उसने प्रोसिक्यूशन ने ये साबित कर दिया कि पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया, भले ही पांचों व्यक्तियों की आइडेंटिफिकेशन न भी हो पाई हो, लेकिन जितने भी व्यक्तियों की हुई है, 2, 3, 4 अगर हो गई है आइडेंटिफिकेशन, तो उन व्यक्तियों को डकैती के ऑफेंस के लिए लायबल किया जा सकता है। और इसी बात को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज सक्तू वर्सेस स्टेट AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड हुआ। इसमें यही हेल्ड हुआ कि डकैती के ऑफेंस के लिए पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, लेकिन सभी व्यक्तियों को कन्विक्शन किया जाए, सभी व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। दोषी सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को, कन्विक्शन सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को किया जाएगा जिनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो गई है, जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि ये व्यक्ति एट द प्लेस जहाँ पर घटना घटित हुई है वहाँ पर उपस्थित थे या उनको एड कर रहे थे। दैट मीन्स अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई तो कन्विक्शन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए पांच व्यक्तियों ने एक गांव को या एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। वो घर से निकल जाते हैं और रास्ते में एक व्यक्ति उनमें से बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर जाता है। बाकी चार व्यक्ति जाते हैं, बैंक को लूटते हैं या गांव को लूटते हैं और वापस आते हैं। वापस आते ही जो उसका हिस्सा है बेहोश हुए व्यक्ति का, उसको उसका हिस्सा देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो व्यक्ति बेहोश है उसे किस ऑफेंस के लिए लायबल किया जाएगा? एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि उसे किस सेक्शन के लिए, उसे किस सेक्शन में लायबल किया जा सकता है। उस व्यक्ति को IPC के सेक्शन 120B में लायबल किया जाएगा, क्योंकि उसने आपराधिक षड्यंत्र तो बना ही लिया है, चाहे उसने ऑफेंस किया हो या ना किया हो, लेकिन आपराधिक षड्यंत्र के लिए लायबल किया जाएगा। सेक्शन 399, क्योंकि उसने उसकी प्रिपरेशन तो कर ही दी है। सेक्शन 400, वो डाकुओं की टोली का मेंबर तो है। और सेक्शन 411, दैट मीन्स उसने उस प्रॉपर्टी को ये जानते हुए डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ रिसीव कर लिया है कि वो स्टॉलन प्रॉपर्टी है, उसे इन चारों सेक्शन के अंदर लेबल किया जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और डकैती के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।